ये तो मुझे पता नहीं है घोषित करा है या नहीं करा है, क्योंकि वो तो हमें तो बताया नहीं गया है। जो जो है हम तो अपने कार्यक्रमों के अंदर जो है पूरे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, और उसी संदर्भ में मैं यहाँ चंडीगढ़ में आई हूँ। आप जानते हो पूरे हरियाणा के अंदर जो है हर एक जिले जिले के अंदर मैं जा रही हूँ, सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रही हूँ। और जो आदमपुर चुनाव जो है उपचुनाव है उसके अंदर भी जो है हमारे कार्यकर्ता किस तरह से जाकर वहाँ पे काम करें, सारे वो मीटिंग लेने के लिए मैं कल यहाँ पर आई थी। आप जानते हैं कि पूरी हर एक जिले जिले भर के अंदर हमारे बहुत ही तगड़े के लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, कांग्रेस से जो समर्पित लोग हैं उनको जो है इकट्ठा करके, ताकि उपचुनाव जो है हम उसको भारी बहुमत से जीत सकें, उस कार्रवाई के लिए हम यहाँ। अब उन्होंने कहा है तो वो 3 दफ्तर खोले होंगे वहाँ पर। अब हमारे से तो कोई चर्चा करी नहीं गई कि किस तरह से खोला जाए, क्या करा जाए, और सीनियर नेताओं के साथ बैठ के जैसे एलनाबाद उपचुनाव के अंदर भी सारी मीटिंग हुई थी, और उससे पहले जो है बड़ौदा वाला जो उपचुनाव था उसकी भी हुई थी, तो सारे सीनियर नेता पूरे प्रभारी के साथ बैठ के ये औपचारिकता के साथ पूरी तरह से तैयारी करी जाती है, तो वो तो इस बारी हो ही नहीं है क्योंकि हमारे को तो बुलाया ही नहीं गया। मैंने थोड़ा सा और अपने आगे जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी काम जो भी कार्य होंगे उसके अंदर हम पूरा सहयोग। ये आदमपुर जो इलाका है ये पहले ये चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का जो है पार्लियामेंट का क्षेत्र हुआ करता था, और जो है हमारे बहुत तगड़े लोग वहाँ पर हैं, मौजूद हैं कांग्रेस के जो समर्पित लोग हैं, उनसे जो है मंत्रणा मैंने करी है सारी, और किस तरह से जो है उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, और श्रुति चौधरी और मैं जो है पूरी तरह से वहाँ पर ड्यूटीज लगा दी हमने, और पूरी तरह से कार्रवाई पूरी करेंगे हम, वहाँ पे काम पूरा करेंगे ताकि भारी बहुमत से हमारा कैंडिडेट जीत के निकले। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।